स्वागत है आपका एसके लाइव में। और अब तक की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि कूच बिहार के माथाभंगा के पंचरण मोड़ में कल राज्य के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया था। उसी के विरोध में आज सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिलीगुड़ी के वेनस मोड़ से लेकर सिलीगुड़ी के अन्यान्य सड़कों की परिक्रमा करते हुए यह विरोध रैली वेनस मोड़ में जाकर खत्म हुई। में उपस्थित थे भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी संगठन के जिला अध्यक्ष अभिजीत राय चौधरी एवं कन्हैया पाठक के साथ अन्य काफी कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए आपको ले चलते हैं अभिजीत राय चौधरी के पास, क्या कहना है उनका इस विषय पर। कल जैसे कुछ बिहार में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दिलीप घोष के ऊपर आक्रमण हुआ, तृणमूल का गुंडाओं ने उनका गाड़ी तोड़ी, उनका साथ जो थे युवा मोर्चा का कार्यकर्ता उनको चोट आई है, वो लोग अस्पताल में भर्ती है। तृणमूल कांग्रेस जो लगातार अपना गुंडा वाहिनी को, मस्तानों को और पुलिस को लगा के बंगाल में बीजेपी को रोकने का कोशिश कर रहा है, उसी के खिलाफ आज हमारा प्रदर्शन है। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस को ये पता चल चुका है कि बंगाल में आज का दिन में सबसे ज़्यादा जनसमर्थन बीजेपी को है, और वो लोग कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी मस्तान लगा ले, कितना भी पुलिस लगा ले, बीजेपी को बंगाल में कोई नहीं रोक सकता है। बंगाल का अगला सरकार भारतीय जनता पार्टी का। आज रथ यात्रा भी निकलने वाली, लेकिन उसका भी परमिशन हाईकोर्ट ने नहीं दिया, क्या कहना है आपका इस पर? हम लोग हाईकोर्ट का अभी हियरिंग चल रहा है, उसका ऑर्डर का अपेक्षा कर रहा है, उसके बाद अगला सिद्धांत हम लोग लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमसे जुड़े सिलीगुड़ी भाजपा के जिला सचिव कन्हैया पाठक जी, उनसे भी जान लेते हैं कि वो उनका क्या मंतव्य है इस दिलीप घोष के ऊपर हमले के ऊपर। जिस तरह से पूरे बंगाल में टीएमसी के गुंडा द्वारा हमारे भाजपा कर्मी पर हमला हो रही है, खासकर हमारे बंगाल के अध्यक्ष माननीय दिलीप घोष पर कल सिताई के जगह पर हुआ हमला हुआ, उनके साथ युवा मोर्चा के हमारे बंगाल के सचिव उन पर हमला हुआ। मैं कहना चाहता हूँ पूरे राज्य भर में जिस तरह के टीएमसी गुंडा वाहिनी जो षड्यंत्र कर रही है भाजपा के प्रति, उनका ये पूरा मनसा पर पानी फिर जाएगा और आने वाले समय में बंगाल हर एक कोना में हर एक जगह पर कमल फूल खिलेगा, ये उनका विश्वास है। तो आपने देखा दिलीप घोष के ऊपर जो हमला हुआ था उसके विरुद्ध में भाजपा के द्वारा एक विरोध रैली निकाली गई थी सिलीगुड़ी में। अब तक लिए इतना ही, आगे बने रहिए एसके लाइव के साथ, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।